अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अहम वीडियो के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज ईद उल अजहा का तीसरा रोज है और उम्मीद है आप ईद की छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आज का दिन आप फ्री हैं और कुछ खास नहीं कर रहे तो फिर आप आज मूवी देखने का प्लान बनाएं, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी ले जाएं और सबके साथ मिलकर खूब इंजॉय करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद उल अजहा पर कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं और आपको कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईद उल फितर से कबल पाकिस्तान में आखिरी बार 2019 में ईद उल अजहा के मौके पर सैनमाओं में फिल्में रिलीज हुई थी, जिसके बाद मार्च 2020 में कोरोना की वबा आने की वजह से सैनमा बंद कर दिए गए थे। इस बार उम्मीद की जा रही है कि ईद कुर्बान पर रिलीज की जाने वाली फिल्में कामयाबी से हमकिनार होंगी, क्योंकि फिल्मी सनत को 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचा था। रवां साल हालात एक बार फिर बेहतरी की जानिब गामजन है, उम्मीद है कि ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतरी का साल साबित होगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आज के रोज कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म साज नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा की एक्शन मसाला फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद की। फिल्म ईद उल अजहा के मौके पर रिलीज हुई है, जिसमें फाद मुस्तफा पुलिस का किरदार निभाते हुए फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर से बज़ाहिर ये तासर मिलता है कि इसमें फाद मुस्तफा पहले करप्ट और बाद अज़ा ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में पहली बार फाहद मुस्तफा और मायरा खान बतौर हीरो और हीरोइन के तौर पर बड़ी स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं और दोनों की जोड़ी को फैंस की जानिब से सराहा भी जा रहा है। दूसरी फिल्म जिसे आप महसूस हो सकते हैं वो है लंदन नहीं जाऊँगा। हुमायूं सईद, महविश हयात और कुबरा खान के ट्राई एंगल प्यार की कहानी के गिर्द बनी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा भी इस ईद उल अजहा पर रिलीज होगी, जिसे खलील रहमान कमर ने लिखा है, जबकि नदीम बेग इस फिल्म के हिदायतकार हैं। ट्रेलर को देखकर मालूम होता है कि महविश हयात अहले खाना के हमरा लंदन में रहती हैं, मगर जब वो पाकिस्तान आती हैं तो हुमायूं सईद उनसे मोहब्बत करने लगता है। फिल्म की दीगर कास्ट में सुहेल अहमद और सबा हमीद भी शामिल है और फिल्म में मुतादिद पंजाबी रोमानवी गाने भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों आज की तीसरी और आखिरी फिल्म जो आप देख सकते हैं वो है लफंगे। मजाहिया और खौफनाक मनाज़िर से भरपूर फिल्म लफंगे में अदाकार समी खान, अदाकारा नाजिश जहांगीर, अदाकार मानी, सलीम मेराज, मुबीन कबूल और दीगर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की कहानी चार ऐसे नौजवानों के गिर्द घूमती है जिनके बड़े ख्वाब हैं, लेकिन उनको हासिल करने का तरीका नहीं जानते। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अदाकार समी खान, मानी, सलीम मेराज और मुबीन कबूल एक घर का रुख करते हैं, जहाँ वो खौफनाक और मजाहिया अंदाज में अपने तजुर्बात का सामना करते हैं, जबकि अदाकारा नाजिश जहांगीर भूत का रूप धारती दिखाई देती हैं। अदाकार मानी के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग तयशुदा बजट के अंदर रहते हुए महज 25 से 26 रोज के अंदर मुकम्मल की गई है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों फिल्में बहुत पसंद आएंगी। बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।